मैं नजर कैसे हटाऊं? आपकी नजर ने जो मेरी नजर को पकड़ के रखा है। मुझे क्या पड़ी है? अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कभी न भूली जाने वाली कहानी है। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया, पता ही नहीं चला माँ। प्यार का पहला शगुन है और सजा भी मिल गई इस हाथ ने गुस्ताखी जो की। जो सलमान इस लव स्टोरी के नायक थे वो आशिकी की आग में ऐसे झुलसे कि खलनायक बन गए। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। ये कहानी है एक आशिक की बेपनाह मोहब्बत की, जो प्यार में कुछ भी कर गुजर जाने को तैयार था, लेकिन अपनी ही गलतियों की वजह से अपने खूबसूरत रिश्ते को खो बैठा। हम आपको बता रहे हैं ऐसी प्रेम कहानी जो रह गई अधूरी। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी 1997 में शुरू हुई। सलमान उस वक्त सुपरस्टार बन चुके थे, वहीं ऐश्वर्या ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में अभी एंट्री ही की थी। ये वो दौर था जब सलमान का दिल सोमी अली के लिए धड़कता था। उस दौर की फिल्मी मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक सलमान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त सलमान की नज़र ऐश्वर्या पर पड़ी और सलमान का दिल कब सोमी को छोड़कर ऐश के लिए धड़कने लगा ये खुद सलमान को भी नहीं पता चला। एक वेबसाइट पर दिए एक इंटरव्यू में सोमी ने खुलासा किया था कि ऐश्वर्या की वजह से उनका और सलमान का रिश्ता टूट गया। सोमी इतनी आहत हुई थी कि वो हिंदुस्तान छोड़कर चली गईं। एक मैगजीन के मुताबिक मंसूर अली की फिल्म जोश को करने से सलमान ने सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उस फिल्म में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का किरदार निभाना था। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या का करियर बनाने का बीड़ा उठाया और कई प्रोड्यूसर्स से उनकी सिफारिश भी की। सलमान की वजह से ही ऐश्वर्या को हम दिल दे चुके सनम जैसी बड़ी फिल्म मिली। सलमान के दोस्त संजय लीला भंसाली ने ऐश को इस फिल्म में ब्रेक दिया। यही वो फिल्म थी जहां से सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, दोनों एक दूसरे के प्यार में जैसे डूब गए। कहते हैं कि फिल्म में दोनों की शानदार केमिस्ट्री के पीछे दोनों की असली मोहब्बत थी। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की जिंदगी में दाखिल होने लगी, वो उनके परिवार वालों के भी करीब आने लगी। बताया जाता है कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे। हालांकि कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या के माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने सलमान से दूरी बनाने को कहा, जिससे वो इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर अकेले रहने लगी। दोनों सितारों की लव स्टोरी चल ही रही थी कि उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिला कर रख दिया। एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दी और सुबह 3 बजे तक दरवाजा पीटते रहे। कहते हैं कि दरवाजा पीटते पीटते उनका हाथ भी जख्मी हो गया था। आखिर सुबह 6 बजे घर का दरवाजा खुला। सलमान के हंगामे के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उस वक्त पर शादी नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे सलमान और ऐश्वर्या के बीच दूरियां बढ़ती गईं। खबरों के मुताबिक इसी बीच सोमी अली का सलमान के पास फोन आया कि उनके पिता का ऑपरेशन होने वाला है और वो उनकी मदद करें। सलमान बिना ऐश्वर्या को बताए अमेरिका चले गए। जब ऐश को ये बात पता चली तो वो बेहद नाराज हुई और उन्होंने ये रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया। इसी के बाद सलमान ने एक और तूफान खड़ा किया जिससे उनके रिश्ते के अंत पर मुहर लग गई। खबरों के मुताबिक सलमान ने ऐश्वर्या की फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन थे। कहते हैं कि सलमान ने उनकी कार तक में तोड़फोड़ भी की थी। इसी बीच 2002 में एक अवार्ड फंक्शन में ऐश्वर्या फ्रैक्चर हाथ में पहुंची। उनकी हालत देखकर लोग यही कहते थे कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की। कुछ सालों के बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में ऐश ने माना कि सलमान ने उनके साथ मारपीट की थी।
उन्होंने बताया कि जब वो सलमान का फोन नहीं उठाती थी तो सलमान झगड़ा करते थे। आखिरकार एक लव स्टोरी का इस तरह दुखद अंत हुआ। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।